अस्सलामुअलैकुम। फ़लस्तीन से मोहब्बत क्यों ज़रूरी है? आपके बच्चे आपसे पूछें या ना पूछें, आप उन्हें ये ज़रूर बताया कीजिए कि हम फ़लस्तीन से मोहब्बत क्यों करते हैं, क्योंकि फ़लस्तीन नबियों का मस्कान और सरज़मीन रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई। अल्लाह ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उस अज़ाब से निजात दी जो उनके कौम पर इस जगह नाजिल हुआ था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस सरज़मीन पर सुकूनत रखी और यहाँ अपना एक मेहरब भी तामीर फरमाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस मुल्क में बैठकर ही सारी दुनिया पर हुकूमत करते थे। कुरान में चींटी का जो मशहूर किस्सा है, जिसमें एक चींटी ने बाकी साथियों से कहा था, ए चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ। ये किस्सा इसी फ़लस्तीन के अस्कलान शहर की वादी में पेश आया था। और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा, तो अल्लाह ने उन्हें इसी शहर से आसमान पर उठा लिया था। और इसी शहर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। और इसी शहर से ही याजूज माजूज का किताल और फसाद शुरू होगा। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मीराज की रात आसमान पर ले जाने से पहले बैतुल मुकद्दस लाया गया था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इक्तदा में सारे नबियों ने यहाँ नमाज अदा फरमाई थी। उम्मत मोहम्मदी हकीकत में इस मुकद्दस सरजमीन की वारिस है। मस्जिद अल अक्सा की अजमत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पढ़े जाने वाली हर नमाज का सवाब 500 गुना ज़्यादा बढ़ा कर दिया जाता है। अल्लाह से दुआ है कि वो फ़लस्तीनियों को आज़ादी अता फरमाए। आमीन।